approval. You got my channel. You got the video. I will put a time on it. You got the comment. So, I will go through your link. Okay. So, what will you do? थर्ड ट्राई है तो हमें थोड़ा गुस्सा नहीं हो रहा है, उसमें भी नहीं हो रहा है मैं गुस्से बैठा हूँ। ये डब्ल्यू सी थ्री है उसमें आप तो तीन लोग हैं उसको प्लेयर खरीदने विराट कोहली से थर्ड टाइम मैं शायद साढ़े सात बजे आ गया था यहाँ पर, यार अब मैं एडिटिंग नहीं कर रहा, एडिटिंग नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ। 45-46 मिनट्स हो चुके हैं। चेन्नई के इस मैदान के साथ इतिहास जुड़ा है। चोपड़ा के कमेंट देख सकते हैं। And heads it is. बैट एंड बॉल। परिस्थितियां तो खेल के लिए अनुकूल लगती हैं, लेकिन कुछ जीतने वाली अब इन्हें सिर्फ हम थोड़ा सा बदलाव करने की है कोशिश। फास्ट बॉलर को बुलाया गया है। गड़बड़ कर दी नहीं सही भी ट्रेंड हो गया। बढ़िया गेम। डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट लेकिन कहलाएगा स्लॉक। मुझे अरे फेल हो गया था हर बार क्योंकि इतना तेज है फोन में कोई गलती मुझे खुद फिर से नहीं करूँ। जबरदस्त थ्रो लगता तो इतिहास बनता। जब ये रिलीज हो रही थी मैदान पर तुक्के के साथ किया। अरे यार ये बहुत टफ है और ये मीटर भी बहुत फास्ट है, स्पीड मीटर वगैरह थोड़ा है। देखो बहुत हार्ड है, देखो बहुत हार्ड है, बहुत बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड है इसको करना। फिर से वो नहीं है, लाइन को क्रॉस करना उचित नहीं। बॉल का इशारा दिया अंपायर, एक महंगी डिलीवरी कर गई है मुफ्त की गेंद यानी कि फ्री हिट। डब्ल्यू सी सी थ्री का उल्टा सोच सकते हैं तो सकते हैं, इसकी भी तो शायद टाइमिंग है। ये गेंद गई है स्टैंस के पास, इनको जीतने दे बहुत दूर, 6 रन कमाल का शॉट, जबरदस्त हिट ओवर हिट। बड़ा बना नहीं तो मोड़ ही नहीं। एक और एक 11 होते हैं, ये फील्डिंग यूनिट ने बता दिया है ऑपोजिशन को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहे। देखिए अगर 11 होते हैं 11 ही रन हैं इनके तो, क्या ये भी देखा है अगर ये ऐसा है तो ऐसे हुक तो सिर्फ लड़ाई में नजर आते थे, बॉक्सर्स के पास होते थे। ये बल्लेबाज डायरेक्ट थ्रो दे रहा है कमाल के पंच, इतना स्लो फायदा क्या है। बढ़िया थ्रो डायरेक्ट थ्रो, अच्छा डायरेक्ट थ्रो वो और रन जोड़ दिया खाते में। डायरेक्ट हिट वो ऐसा है डायरेक्ट हाथों में जाएगा बस। बढ़िया फील्डिंग, बल्लेबाज के पास रन लेने का मौका नहीं। होल्ड करना होता है, होल्ड कर। एक ओवर का भी मैच होता तो मजा आता है सही में। स्पिन करते हैं। ऑफ स्पिनर को बुलाया। क्या गेंद टर्न होगी? कंट्रोल थोड़े पता चल गए कि स्टंप पे जाके लगेगी। इतनी बार
शॉट इतना सीधा कि तीर शर्मा जाए, ऐसा स्पिन ड्राइव उसके लिए क्या 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 फायर। हाँ और ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रन बिटवीन द विकेट्स। और ना मैं टाइम वेस्ट नहीं, मतलब सीधा रन लेते गए, ये सोचा ही नहीं कि लेना है। नहीं जबरदस्त स्टंप पे, मुझे लगता है आउट है ये चीज, ने अंपायर का दुख किया है यहां। मुझे लगता है आउट नहीं है, कास्ट ऊपर को लगता है आउट नहीं है, तो नहीं होगा शायद। कीपर ने तो किया बढ़िया काम, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित, बेटर सेफ देन सॉरी। बल्लेबाज जोखिम खाएगा नहीं इस्तेमाल, और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर। क्रिकेट खेले हुए टाइम दूसरी चीज दूर वगैरह खेले हुए टाइम हो गया, तो मैं शॉर्ट्स ऑन कैड तो वो हुआ। पांचवी गियर में रेव अप एंड हैंड्स अप, डायरेक्टर डायरेक्टर अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बेहतर भागने की कदर। अरे नो, नहीं रहन मेरा। फील्डर ने जांच गेंद को रोकने के लिए, आज आसानी रनअप में ही थोड़ी सी गड़बड़ थी, कर गए थोड़ा सा ओवर स्टेप, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी बल्लेबाजी की। समय है गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजने का, फ्री हिट का टाइम। क्या हो रहा है, मैं ग्रीन की कोशिश नहीं कर रहा, कैच नहीं कर सकते, कैच करना है। थोड़ी अधमनी सी एफर्ट लगी यहाँ पर, उम्मीद है कि जो फ्री हिट पे किया वो बाकी गेंद पे नहीं करेंगे जनाब। मुफ्त की गेंद की लेकिन फायदा उठा नहीं पाए, चौका छक्का लगा नहीं पाए। एक और नो बॉल, ये एक्स्ट्रा बाद में बहुत महंगे पड़ेंगे इस टीम। टाइम फॉर अ फ्री हिट, अच्छा मौका है बल्लेबाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का। चोपड़ा ने करी है और मुफ्त की गेंद की लेकिन फायदा उठा नहीं पाए, चौका छक्का लगा नहीं पाए। कैच के लिए कर रहा है, मुफ्त की गेंद की लेकिन फायदा उठा नहीं पाए, चौका छक्का लगा नहीं पाए। ठीक है, सुन ली शायरी यार, वाह 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 करना पड़ेगा, वाह 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 वाह। डायरेक्टेड का प्रयास, लेकिन मिस किया स्टंप को। एक बंदे से आप ओवर थ्रो होना है, ओवर थ्रो बोल रहे हार तो। एक्सीलेंट जेनिक्स, मुझे अच्छे से खेलना नहीं आता है भाई साहब, मैं उससे बात करूँ। और बड़े स्कोर कर रहे हैं पीछा, तो उम्मीद है जो बहुत हिटर्स है पास अच्छा तो अंजाम है। जबरदस्त शॉट के साथ एक करारी शुरुआत, पहली गेंद पहला चौका। गलत बटन दबा रहा है, मैं लगा हूँ गलत बटन दबा। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। जीवित रहना चाहते। बल्ला तो बहुत जोर से घुमा है, लेकिन गेंद नहीं, सिर्फ हवा से हुआ संपर्क। बड़ी गलती हो गई, नो बॉल यानी कि फ्री भी बल्लेबाज की टीम, और क्रीज में खड़े बल्लेबाज के लिए है अब ये फ्री हिट। भाग्यशाली की दुर्घटना नहीं घटी, सही ठिकाने पर गेंद, बल्लेबाज खामोश, पैरों को बल्ले से हटाया और लॉन्ग लगाया। क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं ये, कैचिंग प्रैक्टिस है क्या, हल्की सी थी खता और नहीं खुला खाता। और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के नाम, तोहफे में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज, अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहाँ। फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स।
नहीं लगता कि गेंद इनके बल्ले पर सही से लगी इस बार। बहुत ही साधारण रनिंग बिटवीन द विकेट्स, विकेट गवाया। यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे। अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच। पहली कैरी के खाते में एक रन भी नहीं। अब क्या है बदलाव, देखते हैं क्या ये बदलेगा इनका। अगर ये समझ ही गया ये वाले कंट्रोल। अप गोज द फिंगर। उस वीडियो पे हर बंदा अगर अच्छे तो काम लोग जो वीडियो जिस टाइटल था वही भी पता तो गलत नहीं। ड्रैगन मीडिया तो मोड इंस्टॉल करा दिया है अंपायर ने। अच्छा अलग मिश करने पास के मन में है थोड़ी सी शक है खामोश। को पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज। जोरदार अपील फील्डिंग यूनिट से, लेकिन अंपायर ने फैसला दिया बल्लेबाज के पक्ष में। नौचा इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआत। गेंद पहले आई, बल्ला बाद में, समस्या अपने साथ लाइए गेंद। बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाज। तो अर्ली था तो गेंद पहले आई बल्ला बाद में बल्ला पहला फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर थोड़ी ना डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट्री करे कोई भी लेकिन वो डालने की बात है। मजबूत हाथों का प्रयोग, अच्छा पुल शॉट, पुल शॉट लगाना पड़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बेहतर भागने की गति। अरे एक और हो जाता पहले तो। चलो तीन रन लिए सबकी खतरनाक गेंद। अंत में मिली एक आसान सी जीत, लेकिन सेलिब्रेशंस आपको बता रहे हैं इस जीत का महत्व पहचानती है ये टीम। तो ठीक है सामने वाली टीम ने तेज तनाबूत कर दिया अपनी टीम को। ग्राफिक्स काफी सही लगे, काफी अच्छे लगे। चलो जी मुझे और दीजिए तवज्जो। लोई होंगे मेरे तो हाई पे तो बहुत मजा आएगा। सब लोग बल्ले के साथ किया जबरदस्त प्रहार और बिल्कुल सही है ये मैन ऑफ द मैच के हकदार। टोटल प्लीज करवा दीजिए इतना ही। मैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखना।